गुड मॉर्निंग बच्चे. सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सो वी टेक टू केसेस हियर, वन सिंगल कमोडिटी केस, अनदर टू कमोडिटी केस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल कमोडिटी केस. सो हियर वी अज्यूम दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी. ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग के वो अपनी कमोडिटी के कितने यूनिट्स कंज्यूम करे ताकि ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है. सो हाउ वुड यू गाइड हिम? यू वुड टेल हिम कि भाई आपने उतने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं जहां पर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो. फर्स्ट कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. वेन एवर यू कंज्यूम एनी कमोडिटी यू गेट यूटिलिटी. You get utility. What is utility? Marginal utility implies satisfaction. You get some satisfaction out of it. But when you consume commodity, you pay some price for it. That price is paid in terms of money. Money also has some utility for you. So when you pay price in terms of money, तो वो money की जो utility है वो मेरे पास मनी पड़ी थी वो मैंने आपको दे दी प्राइस की फॉर्म में, तो मेरी यूटिलिटी क्या हो गई? सेक्रीफाइस. ठीक है. सो द प्राइस इन अदर वर्ड्स इज सेक्रीफाइस मेड बाय द कंज्यूमर. सो अ कंज्यूमर शुड बाय दैट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी where the satisfaction derived by the consumer or the utility derived by the consumer should be equal to the sacrifice made by the consumer. He would be in equilibrium when the utility which he gain should be equal to utility which he sacrifices. Just imagine in your daily life, you go to market, You buy a t-shirt. कभी गए आप अपने लिए कोई शॉपिंग करने? जाते हो. जब आप जाते हो तो प्राइस टैग देखते हो कि नहीं देखते? How many of you see the tag? बेटे, tell me yes or no. You see the tag? और कभी आपने ऐसे देखा कि t-shirt का प्राइस टैग बहुत ज्यादा है, से 1500 है, और आपने कहा it's not worth it? कभी आपने ऐसा सोचा? कुछ ने सोचा होगा ना. आपको कैसे पता चल गया ये वर्थ नहीं है? आपने साइकोलॉजिकली अनकॉन्शियसली अनोइंगली अपने माइंड में ये मेजर किया कि इस टी शर्ट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है. ठीक है. लेट अस से आपको लगा कि इससे आपको यूटिलिटी मिलेगी 100 यूटिल्स के बराबर. आपने कभी कौन मेजर नहीं किया होगा, लेकिन आपने फिगर नहीं मेजर की होगी, लेकिन आपने ये सोचा होगा ये मेरी दो बारी डल जाएगी, तीन बारी डल जाएगी, इस तरह से. यानी इन अ वे आपने देखा आपको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. फिर जब आपने उसका प्राइस टैग देखा तो आपने देखा अरे सेक्रीफाइस तो बहुत ज्यादा है, आपको उससे इतनी यूटिलिटी नहीं मिलने वाली, ये उतनी की वर्थ नहीं है. जब आपने ये माइंड में बनाया कि इतने की वर्थ नहीं है, इसका मतलब आपने इमेजिन किया कि इससे जो यूटिलिटी डिराइव होगी दैट इज लेस देन द यूटिलिटी सैक्रिफाइस्ड. 1000 के बराबर लेट अस से आपको लगा कि इससे यूटिलिटी मिलेगी और 1200 रुपए का इसका प्राइस है, तो आप बोलोगे इट्स नॉट वर्थ इट. यस. और कई बार आपको एक ऐसी डील मिल जाती है, आप कहते हो कि बहुत अच्छी थी और मेरे को बहुत सस्ते में मिल गई. होता है कई बार ऐसे. सो अनकॉन्शियसली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंपेयरिंग यूटिलिटी डिराइव्ड विद द यूटिलिटी सैक्रिफाइस्ड. सो अ रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो उतने यूनिट्स खरीदता है कमोडिटी के जहां पर उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके सेक्रीफाइस के बराबर होती है. Satisfaction is measured in terms of marginal utility and sacrifice is measured in terms of price paid. So which means a consumer is in equilibrium
at the point where marginal utility of commodity X is equal to price of commodity X. Bete, where are your notebooks? You're supposed to write it down. Now the question is, why not where MUX is greater than PX? Suppose करो आपको टी शर्ट से वर्थ मिल रही है ज्यादा और वो आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, 500 रुपए में मिल रही है, और आप सोचते हो आपके इससे तीन फंक्शंस निकल जाएंगे, यानी 1000 की वर्थ है ये आपके लिए, 1000 रुपए की यूटिलिटी आपको ये देगी, और आपको मिल कितने की रही है, 500 की. दिस इज द सिचुएशन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स. इस केस में आप बोलो मैम यहां पे हमें कंजम्पशन बंद करनी चाहिए. नहीं, यू विल नॉट स्टॉप बाइंग हेयर बिकॉज इट इज द साइकोलॉजी ऑफ एवरी कंज्यूमर व्हेन एवर द बेनिफिट विच ही इज गेटिंग इज मोर देन द सेक्रीफाइस ही टेंड्स टू बाय मोर. वो ज्यादा खरीदना चाहेगा. जब आपको किसी चीज का बेनिफिट होता है तो आप उसका और बेनिफिट लेना चाहते हो या नहीं? कौन कहता है बस ठीक है मैं इतने से सेटिस्फाइड हूं? कोई नहीं कहता. सो व्हेनेवर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन दैट केस द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, सो अ कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय मोर. When he buys more, law of DMU will apply. Law of DMU is applicable to every consumer's behavior. तो जब वो additional unit खरीदेगा तो marginal utility गिरनी शुरू हो जाएगी. जब marginal utility गिरेगी तो वो price के बराबर आ जाएगी. यहां पर हम consumer को कहेंगे कि वो अपनी consumption stop कर दे. ठीक है? So, if you are getting any difficulty in understanding the things, I will be explaining with the help of an example. Here are the units. You go to the market to buy one pen. Marginal utility from that pen is say 8 utils. Second pen would give you utility equal to 6. समझ लो पहले, बाद में लिखना, ठीक है? 4, 2, 0. नाउ यू आस्क मी कि मैम बताओ मैं कितने पेन खरीदूं? मेरे पास पैसे हैं, मुझे पेन खरीदने हैं, सिर्फ एक ही कमोडिटी खरीदनी है, पेन. आप मुझे बताओ ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, मैं कितने पेन खरीदूं सो दैट आई गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. So how will I solve your problem? I will ask you, bete, what is the price of this pen? You tell me it is ₹4. So which means if you buy one pen, the utility derived is 8 utils. Price paid is ₹4. How much you are in surplus? Your satisfaction is greater than the sacrifice, which means you are in surplus of ₹4. 4 रुपए का आपको surplus है. आपका satisfaction level आपके sacrifice level से 4 रुपए ज्यादा है. ठीक है? तो मैं बोलूंगी नहीं बेटे, एक पेन नहीं और खरीद सकते हो, क्योंकि आपका utility जो gain कर रहे हो वो ज्यादा है आपके sacrifice से. तो आपने second पेन खरीदा, आपके ऊपर law of DMU apply हुआ, होगा कि नहीं? तो अब सेकंड पेन ने आपको कितनी यूटिलिटी दी? ये सेकंड पेन कितने का आया? ₹4 का. स्टिल यू आर एंजॉयिंग द सरप्लस ऑफ ₹2. यू टेल मी, वुड यू लाइक टू बाय मोर? वुड यू लाइक टू एंजॉय? यू आर एंजॉयिंग द सरप्लस, सो ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू बाय मोर. ये व्हेन यू बॉट थर्ड पेन इट गेव यू marginal utility equal to 4, but you are paying price equal to 4. So how much surplus you are enjoying?
जीरो. नो सरप्लस, नो सैक्रिफाइस. योर यूटिलिटी और योर सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू योर सैक्रिफाइस. वुड यू लाइक टू बाय मोर? इफ एनीवन वांट्स टू टेक द चांस, वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं ले लेता हूं. जब बेटे आपने फोर्थ पेन खरीदा या खरीदने का सोचा, आपकी ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ, आपको यूटिलिटी कितनी मिली फोर्थ पेन से? 2 रुपए. लेकिन फोर्थ पेन आया कितने का? तो कौन ऐसा बच्चा है जो सेटिस्फेक्शन से ज्यादा प्राइस देना चाहेगा? है कोई आप में से? 2 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, 4 रुपए खर्चने को कौन तैयार होगा? नो वन. यानी नो वन वुड लाइक टू सफर द लॉस. सो विच मीन्स नो वन विल बाय मोर देन 3 यूनिट्स. है कोई बच्चा ऐसा जो 3 से ज्यादा पेन खरीदेगा? है कोई? कोई नहीं खरीदेगा. अब 3 के बाद सिचुएशन क्या है? क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि यहां पर जो यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस से कम है. 4 रुपए देके मैं 2 रुपए की यूटिलिटी क्यों लूंगी? वुड आई टेक? विच मीन्स कंज्यूमर विल नॉट बाय वेयर MUX is less than price. Would he buy where MUX is greater than price? Would he stop his consumption? यहां पर MU was greater than price. Did you stop your consumption? You said, ma'am, I will buy more. Why? You are enjoying the surplus. Who doesn't like surplus? So whenever you are getting surplus, you would take like to take advantage. बेटे आप क्वार्टर फाइनल में सिलेक्ट हो गए तो सेमी फाइनल में जाओगे ना? जब ब्रॉन्ज के बाद आपको सिल्वर का चांस मिल रहा है तो जीत जाओगे कि नहीं जाओगे? यहीं पे अगर आप तसल्ली करके बैठ गए, मैं क्वार्टर में पहुंच गई, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया और नहीं चाहिए, होता कभी ऐसे? नहीं होता. सो यू वुड लाइक टू बाय मोर. जब आपने दूसरा यूनिट खरीदा, अभी भी आप सरप्लस में हो, यू वुड लाइक टू बाय मोर. तो जब आप यहां पे पहुंच गए, यूटिलिटी बिकेम इक्वल टू सैक्रिफाइस. सो हेयर यू विल स्टॉप योर कंजम्पशन. इससे आगे आप जाओगे नहीं, इससे पीछे तक आप रहोगे नहीं. तो चॉइस क्या बची? यही, वेयर MU इज इक्वल टू. ठीक है. सो मैंने आपको गाइड किया. अब आप कितने पेन खरीदोगे? 3 पेन. 4 क्यों नहीं खरीदोगे? वाई नॉट 4? यू डोंट वॉन्ट टू सफर द लॉस. सिंपल आंसर. हेयर द कंज्यूमर विल सफर अ लॉस. सो ही विल नॉट बाय वेयर MUX इज लेस देन PX. Why don't you buy 2 pens? You want to buy more as you are enjoying the surplus. So मैंने relate कर दिया. Olympics चल रही है, हम सब देख रहे हैं, Indians भी हैं, तो इसीलिए मैंने relate कर दिया ना कि अगर आप quarter final में जीते हो तो semi final में जाना चाहोगे, semi में जीते हो तो final में जाना चाहोगे. उसके बाद अगर वो कहते हैं भी आगे अगर नहीं जीते तो हम आपसे मेडल छीन लेंगे पुराने, फिर आप नहीं जाओगे. सो व्हाट इज द चॉइस बिफोर यू? यू विल बाय वेयर मार्जिनल यूटिलिटी. यू विल बाय एज मेनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी वेयर दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. व्हाट इज दिस कंडीशन? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है. अब इसमें एक और प्रॉब्लम है. आपने किसी ने नोटिस नहीं किया, मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. हाउ आर दीज टू कंपेरेबल? आर दीज कंपेरेबल? नहीं ना.
तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिक्स सबने पढ़ा हुआ है, कन्वर्जन सबको आती है, लेकिन यहां पर कन्वर्जन डिफरेंट है। कैसे करेंगे, देखो हमारा कंडीशन क्या बनेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अगेन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये तो होता ही रुपीज में है, लेकिन ये हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज टू बी डिवाइडेड विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। हाउ डू वी कन्वर्ट यूटिल्स इनटू रुपीस, जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन, नो क्वेश्चन विल बी अनआंसर्ड, आई विल बी टेलिंग यू हाउ द यूटिल्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रुपीस। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज अगेन मेजर्ड इन यूटिल्स। जब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रुपीज में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे कन्वर्ट हो गया, लेट अस से यू हैड एन आइसक्रीम एंड दैट आइसक्रीम, थर्ड कप ऑफ आइसक्रीम से गेव यू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 12 यूटिल्स। ठीक है, हमने देखना है इसने कितने रुपए की यूटिलिटी दी आपको। हमें क्या पता है, 12 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। हमें क्या देखना है, कितने रुपए के बराबर यूटिलिटी मिली। सो बेटे आई विल आस्क यू, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर यू। ठीक है, तो आप मेरे को एक फिगर दे दो, कुछ भी बोल सकते हो। लेट अस से आपने मेरे को बोला 3 यूटिल्स, यानी 1 रुपए की वर्थ आपके लिए क्या है, 3 यूटिल्स। तो इस आइसक्रीम में कितने रुपए की वर्थ पड़ी हुई है, ये 1 रुपया है, ये दूसरा रुपया है, ये तीसरा रुपया है, ये 4th रुपी है, ये 5th रुपी है, ये 5 नोट है आपके पास। इससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली, इससे कितनी मिली, इससे इससे आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिली, 12, यानि 3 + 3 + 3 12 यूटिल्स। ये 12 यूटिल्स की यूटिलिटी कितने रुपए से मिली, 4 रुपीज से मिली। यानि ये 12 यूटिल्स किसके बराबर है, 4 रुपीज के बराबर है। यस, नाउ कम हियर, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट बिकम्स इक्वल टू 4 रुपीज। वर्थ ऑफ ए रुपी, 1 रुपए की जितनी वर्थ है उसको यूटिल से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कितने रुपए की वर्थ है, कितने रुपए की यूटिलिटी मिली। गॉट इट, शैल आई एक्सप्लेन अगेन हाउ टू कन्वर्ट यूटिल्स इनटू रुपीस। गर्व बेटे बी अटेंटिव, इट्स नॉट वेरी सिंपल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हैज टू बी डिवाइडेड विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज वर्थ ऑफ ए रुपी। तो मैंने आपको एक किताब दे दी, मेरे लिए 100 यूटिल्स की यूटिलिटी है उसमें। ठीक है, उस किताब में कितनी यूटिलिटी है, 100 की। वो किताब आपसे गुम गई,
तो आपने कहा कि मैं आपको रीइंबर्स कर देता हूं, फ्रेंड की बुक गुम गई, आपने उसको बोला मैं रीइंबर्स कर देता हूं, कितने पैसे दूं? आपने कहा इसमें 100 यूटिल्स की यूटिलिटी थी मेरे लिए, तो आपने कहा मेरे को पैसों में बता, तो आपने क्या हिसाब लगाया कि जब आप 1 रुपया खर्चते हो तो वो आपको लेटर से 10 यूटिल के बराबर यूटिलिटी देता है, तो वो किताब में कितने रुपए के बराबर यूटिलिटी हुई? 10-10 के नोट के बराबर, यानी 10 रुपए के बराबर। कैसे किया आपने? बुक ने कितनी यूटिलिटी दी? 100, और मनी की यूटिलिटी क्या है? 10। तो कितने वर्थ की यूटिलिटी थी उसमें? 10 रुपीज। कैसे फाइंड आउट किया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो देखो, दिस इज यूटिलिटी गेन्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, दिस इज यूटिलिटी सेक्रीफाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है? सो बोथ शुड बी इक्वल। नाउ दिस कंडीशन कैन ऑल्सो बी रीअरेंज्ड टू एक्सप्लेन इट। मैथ सबने किया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट्स सेम थिंग। मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है? यानी जो यूटिल्स हैं, जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स से, बुक की हम बात कर रहे थे, 100 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, बुक का प्राइस 10 रुपए है, तो पर रुपी कितनी यूटिलिटी हुई? 1 रुपए में कितनी यूटिलिटी हुई? यहां पे देख लो, आइसक्रीम की कितनी यूटिलिटी है? 12, ठीक है? और आइसक्रीम का प्राइस कितना है? 4। तो पर रुपी आपको कितनी यूटिलिटी दे रहे हैं? 3 यूटिल्स। सो दिस टेल्स यू यूटिलिटी पर रुपी, यूटिलिटी पर रुपी, बेटे डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया तो पर आ गया ना, पर एक एवरेज आ गई कि 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ये यूटिलिटी है। और ये भी क्या, वर्थ ऑफ ए रुपी, दिस इज यूटिलिटी पर रुपी, दिस इज ऑल्सो यूटिलिटी पर रुपी, तो इक्विलिब्रियम तो आना ही आना है, इक्विलिब्रियम अटेन, बैलेंस आ गया ना, जितना दे रहे हो उतना ले रहे हो, यू आर गेटिंग वर्थ ऑफ ए रुपी बाय पेइंग 1 रुपी, आपको हर रुपए की वर्थ मिल रही है जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने सिर्फ इतना देखना है बेटे, एक कंज्यूमर उतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, बिकॉज दिस इज इन यूटिल्स, सो हाउ विल बी कन्वर्टेड इन टू रुपीज, एम यू एक्स ओवर एम यू एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहां तक अपना अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि हमने, जैसे मैथ्स में हम स्टैंडर्ड रूल्स करते हैं कि चलो इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर दो, तो सेम हेयर, टू कन्वर्ट यूटिल्स इनटू रुपी डिवाइड एम यू एक्स विद एम यू एम। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आ जाए ये 1 रुपए के नोट से, फिर भी कई बार मुश्किल लगता है, तो आप एक बारी दोबारा से वीडियो देखिए, बुक में से पढ़िए, यू विल बी एबल टू फेच द थिंग्स, ओके? इसके बाद बेटे इधर किसी को कोई डाउट? आरजू, अमित, कशिश, खुशी, कृष, मधु, ओके? सो लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिख लो, लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। सेकेंड कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स
कमोडिटी की कंज्यूम करता जाता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। अगर लॉ ऑफ डीएमयू उसके बिहेवियर पे एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, व्हाई कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम वेयर एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग सरप्लस, ही इज हैविंग गेन, सो दैट्स व्हाई ही वुड लाइक टू बाय मोर। व्हेन ही बायस मोर एमयू फॉल्स एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स इक्वल टू पी एक्स। Why the consumer is not in equilibrium where MUX is less than PX? He is suffering loss. So he would not like to suffer loss. Okay? Now this can be explained with the help of a table. So let us make an assumption that a consumer is consuming commodity X. Price of X. ₹4, consumer is consuming commodity X, price of X, ₹4, following is his marginal utility schedule. यहां पर हमने लिख लिया it is in rupees. पहले ही अज्यूम कर लिया ये रुपीज में है। ये मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है आपका। जब आप एक पेन खरीदते हो और पेन का प्राइस है ₹4, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आपको चॉइस दी बेटे, अब बताओ, आप खुद बताओ आप कितने पेन लेना चाहोगे। कितने पेन? 3। वाई नॉट 2? हेयर यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट, सो यू वुड लाइक टू बाय मोर। व्हेन यू बाय मोर, लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई, यूटिलिटी फॉल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू प्राइस। वाई नॉट 4 or 5? यू आर सफरिंग लॉस, सो यू हैव नो चॉइस but to buy 3 pens where marginal utility of x is equal to price of x. In this way your total utility will be maximized. Kitni total utility gain kar rahe ho? 18 ki. 3 pen leke kitni total utility? 18. Agar 2 pen khareed ke bas kar doge 14. To nahi rukenge na hum silver medal pe, humne gold lena hai. अगर 4 यूनिट्स लेते हो या 5 लेते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।